हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर पलटी अभिषेक की किस्मत। करण जौहर ने दिया अभिषेक को सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा तोहफा। ऐसा तोहफा जिसको सुनकर ना सिर्फ अभिषेक खुशी से झूम उठा बल्कि घर वालों की तो जल गई। क्या हुआ है और कैसे हुआ है और कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे दी गई है करण के द्वारा अभिषेक को, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। दोस्तों, पिछले वीकेंड के वार में सलमान ने खुलकर अभिषेक को सपोर्ट करा था और ये कहा था कि अभिषेक बाहर हीरो बन गया है और सब उसको पसंद कर रहे हैं। अब ऐसे में करण जौहर, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं और बिग बॉस को होस्ट करते हैं जब सलमान नहीं होता, वो भी अभिषेक के दीवाने हो चुके हैं। जी हाँ, करण को अभिषेक बहुत पसंद आ गया है और ऐसे में करण जौहर जब इस हफ्ते शो को होस्ट करने आए तो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अभिषेक को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। करण ने घर वालों के सामने साफ साफ कहा कि आप लोगों की आंखों में इस घर में सबसे ज्यादा अभिषेक चुभ रहा है। आपको लगता है कि कहीं वो विनर ना बन जाए क्योंकि वो शो से निकाल दिया गया पर हम उसको वापस लेकर आए। खैर, वो विनर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो अभी नहीं पता क्योंकि विनर का फैसला तो 28 जनवरी को होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभिषेक ने लोगों के दिल जीत लिए हैं और इनफैक्ट तुम्हारा ये एंग्री यंग मैन लुक मुझे भी बहुत पसंद आ चुका है अभिषेक, और इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तुम मेरे साथ धर्मा में काम करोगे, तुम मेरी फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाओगे। मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्ताना का सीक्वल और उसके लिए आई वॉज लुकिंग फॉर अ एंग्री यंग मैन टाइप बॉय और मुझे वो तुम में दिख चुका है। ये सुनकर अभिषेक तो नाच गया और उसने घर के अंदर नारे लगा दिए जय माता दी और जय श्री राम के। लेकिन ये देखकर घर वाले तो जल भुन गए। जी हाँ, यहाँ पर चेहरा उतर गया ईशा और समर्थ का, लग गई ईशा और समर्थ को मिर्ची। तो वहीं बाकी घर वाले भी ये बात करने लगे कि लगता है यही विनर बन रहा है, तभी तो इसको इतने बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या है लगता, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।